नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूँ रोहित यादव और इस वीडियो में हम लोग जो सीडीएस का पेपर हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेपर आया था। पेपर बहुत ही मॉडरेट था, ज़्यादा कठिन भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा सरल भी नहीं कहेंगे। कठिन सरल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें जो अर्थमेटिक पोर्शन था बहुत कम था, जो एडवांस पोर्शन था बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा था 30 से 35 वीडियो में, यानी कि 60 से 65 घंटा जो पढ़ा था, 60 से 65 घंटे में ही अगर आपने सही से पढ़ा होता तो आपने कर लिया होता। अगर आप पढ़ के गए होंगे तो ज़रूर कर लिया होगा, ठीक है। देखिए, जो पोर्शन है एडवांस का उसमें लगभग 75% जो क्वेश्चन थे एडवांस के थे, अर्थमेटिक के लगभग 25% क्वेश्चन थे। ये पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सिस्टम से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 19 क्वेश्चन, एलजेब्रा और पॉलिनोमियल से 12 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 12 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 10 क्वेश्चन, मेन मीडियन मोड से 4 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम से 4 क्वेश्चन, SINGI से 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, रेशियो से 2 क्वेश्चन, लॉग से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन और परसेंटेज से 1 क्वेश्चन। बाकी 10 क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो ये था पूरा का पूरा पेपर। इस वीडियो में हम लोग जो सोल्यूशन देखेंगे वो नंबर सिस्टम के देखेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको करेंगे। जो हम लेके आएंगे वो 4-5 वीडियो में आपको पूरा पेपर सॉल्व करा देंगे और वो सारे के सारे चैप्टर वाइज इसी तरीके से करा देंगे। यानी कि जितने भी टॉपिक हैं ये 4-5 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। तो अब देखिए, इतना तो हो गया, आपको पता चल गया कि ये आया था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए थे। अगर आपने हमने आपको जब पेपर देने गए थे उससे पहले ही कहा था कि आप फार्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा, तो फार्मूला बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। अगर आपने फार्मूला पता होता तो कर लिया होता। दो चीज़ें आपको, एक तो आपको पता होनी चाहिए थी कि फार्मूला, दूसरा पुटिंग मेथड, ठीक है। अगर आपने पुटिंग आता था तो भी आपके क्वेश्चन बहुत हो जाते और जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे वो भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। अब जब हम लोगों ने इतना कर ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब हम अगला कोर्स शुरू करें तब आप अच्छी तरीके से इस बार पढ़ाई कर सकें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि लेट ए बी सी एंड डी बी 4 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बी सी डी इक्वल्स 200। यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 200 है। एस हमें दिया गया है -1 की पावर a -1 की पावर b +1 की पावर c -1 की पावर d। तो हमें बताना है कि जो S है इसके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबल सॉल्यूशन जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें A, B, C और D की वैल्यूज़ मानी होंगी। हम कितने टाइप से हम जो A, B, C और D हैं उनकी वैल्यूज़ को मान सकते हैं। देखो, यहाँ पर हम जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि हमसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है और जो जीरो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम इसमें जीरो तो नहीं ले सकते हैं, तो जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स 200, ए को अगर हम 50 मान लें, b को 49 मान लें, c को 51 और डी को 50 मान लें, तो एक तो टाइप ये हो गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जब हम
इस टाइप से वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये माइनस वन की पावर 50 करेंगे तो 1 आएगा। माइनस वन की पावर भी यानी कि माइनस वन की पावर 49 करेंगे तो माइनस वन आएगा। माइनस वन की पावर सी 51 करेंगे तो भी माइनस वन आएगा। 50 करेंगे तो ये प्लस वन आएगा यानी कि हमें 0 प्राप्त होगा। एक सेट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा ऐसा हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम सभी को क्या कर लें, ऑड मान लें। ठीक है, हम सभी जो संख्याएं हैं उनको ऑड मान लेते हैं तो ऑड हो जाएंगी। एक तो हम मान लेते हैं 39, तो ये 61 हो जाएगा। एक 49 मान लेते हैं और एक 51 मान लेते हैं। ठीक है, तो सभी जो हमारे पास ऑड होंगी तो इससे जो हमारे पास संख्याएं बनेंगी माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन यानी कि हमारे पास 4 बनेगा। तीसरा, अगर हम सभी संख्याओं को इवन ले लें, चारों संख्याओं को इवन ले लें तो एक हमारे पास बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि प्लस 4 बनेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई भी जो सेट्स हैं वो नहीं बन रहे हैं। हमने एक सेट बना लिया ऑड इवन का, एक पूरा पूरा हमने ऑड ले लिया है, एक पूरा पूरा इवन ले लिया है। ठीक है, अगर हम तीन, चलिए हम तीन एक और करके देख लेते हैं। तीन को हम क्या करते हैं, इवन ले लेते हैं और एक को ऑड ले लेते हैं। वन टू थ्री टू फाइव वन सिक्स फाइव थ्री एट वन नाइन। फाइव थ्री एट वन नाइन और नाइन में अगर हम लोग 101 जोड़ें, सॉरी 191, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम माइनस वन की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस, और क्योंकि हमने जब सभी ऑड लिए थे तो हमें ये भी ऑड मिला यानी कि माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें जो मिला वो माइनस फोर ही मिला यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास केवल संभावित संख्याएं बन रही हैं वो तीन बन रही हैं। आप एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं, अगर कोई बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे हमारी समस्या यहाँ पर केवल तीन ही बन रही हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड डिविजिबिलिटी है। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n कोई संख्या है तो उस संख्या को a प्लस b और a माइनस b दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन n क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और यहाँ पर n हमारे पास इवन है भी यानी कि हमारे पास ये काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी हमारे पास 111 आएगा और a माइनस बी हमारे पास 83 आएगा यानी कि जो ये पूरी संख्या है ये 83 से तो कटेगी ही। अब हमें चेक करना है कि ये 37 से भी कटेगी,
तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या 111 37 से कटता है। तो हम देखेंगे 37 थ्री जा 37 जा 21 कैरी 2 33 जा 9 टू 11, यानी कि जो 111 है ये 37 से कटता है, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें चेक करना है क्या लॉग 50 इज ए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर देखते हैं लॉग 50। लॉग 50 जब हमें बेस नहीं पता होता है तो 10 होता है, और 10 दिया था इसमें हम लगा नहीं पाए, टाइपिंग में लग नहीं पाया था, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रेकआउट करना चाहें तो ये हो जाएगा लॉग 10 10 इंटू 5, तो लॉग 10 प्लस 5 को इसको हम या इसको इस तरीके से तोड़ते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा। लॉग 10 को हम 100 बना देते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 10 का स्क्वायर माइनस लॉग 2, इस 2 को बाहर ले लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग 2, ये 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 माइनस लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301, ठीक है। जब इसे हम माइनस करेंगे और उसे p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि log 10 log 100 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो log 10 है माइनस, इसको लिख सकते हैं log अपान जो होता है उसे माइनस में लिखते हैं, log 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 है बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 log 10, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, और माइनस 1 को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कहा गया कि इरेशनल है, लेकिन हमारे पास इरेशनल आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे 2 है उसको ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास केवल 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। What is the largest number which divides both 235 minus 1 and 291 minus 1? तो यहाँ पर भी जो पुराना वाला क्वेश्चन था वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी, बस इसको क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 5, सेम यहाँ पर 1 के ऊपर भी लिख सकते हैं 1 की पावर 7 की पावर 5, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 13, ठीक है। अब इतना हो गया, अब आपको पता है कि जब माइनस होता है तब हमारे पास इसके दो फैक्टर आएंगे, एक तो a प्लस बी आएगा और a माइनस बी आएगा। तो एक फैक्टर तो हो जाएगा 2 की पावर 7 प्लस 1 और एक हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 1। तो सबसे पहले हम प्लस वाला देख लेते हैं, तो 2 की पावर 7 हमारे पास हो जाएगी
टू की पावर 5 होता है हमारे पास 32 इंटू टू की पावर 2 यानी कि 4, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12। और अगर हम इसमें से माइनस 1 कर दें तो हमारे पास 128 माइनस 1 यानी कि 127 आएगा। और अगर हम इसमें प्लस कर दें 128 में तो ये हमारे पास आएगा 129। अब आपको अगर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे तो ऑप्शन में दोनों ही है, लेकिन बस यहीं पर क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है कि यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, तो आपको लार्जेस्ट नंबर देना है। लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? 129 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी कराया है, इसमें लार्जेस्ट पावर 10 की पूछी गई है। तो हमने बताया था कि जो 10 होता है इसको अगर हम गुणनखंड करें इसके तो 5 इंटू 2 होगा, यानी कि हमें 5 और 2 की आवश्यकता होगी 10 की पावर निकालने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर 2 का यूज नहीं करेंगे, केवल 5 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 जो नंबर सबसे कम हमारे पास होता है उसी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 21 से लेकर 29 तक मल्टीपल्स हैं हमारे पास, और उसमें जो सबसे कम होंगे वो 5 होंगे, क्योंकि 2 सभी में आ रहा है, तो 2 हमारे पास बेसिकली ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे हम 5 का यूज़ करेंगे, तो 5, 10, 15, 20, 30 हमें नहीं लेना है, 25, ठीक है। इसमें हमारे पास एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, इसमें हमारे पास 2 5 हैं। तो टोटल जो 5 हमारे पास हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हमारी 10 की पावर हो जाएगी, क्योंकि जब 5 हमारे पास केवल 6 हैं तो जो 2 होंगे वो भी हम केवल 6 ही लेंगे, बाकी के 2 नहीं लेंगे। सिक्सटी फाइव की पावर 9 को 11 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। तो इसे हम नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से बहुत इजीली से कर सकते हैं। आपको पता है 11 सिक्स जा कितना होता है? 66 होता है, लेकिन ये 65 माइनस 1 यानी कम है, तो माइनस 1 की पावर 99, माइनस 1 की पावर 99 का मतलब माइनस 1, क्योंकि और पावर है, लेकिन माइनस तो 1 रिमाइंडर होता नहीं है। जब माइनस 1 रिमाइंडर नहीं होता है तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन था यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, उसी को ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया था कि कोई भी संख्या जिसे हम 6n प्लस 1 और 6n माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स होंगे। लेकिन अगर हम कोई नंबर है इस फॉर्म में अगर हम लिखें नंबर को, ज़रूरी नहीं वो प्राइम होगा, लेकिन प्राइम नंबर अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो प्राइम ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हमें इसे यही देखना है, अगर हम 437 को पहले हम माइनस वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस 1 कर दें तो ये हो जाएगा 436 सॉरी 438 माइनस 1। जब 438 से माइनस 1 करेंगे तभी 437 आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि 6n का मतलब है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, 6 को हम 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 3 और 2 से अगर डिविजिबल है ये नंबर तो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट डिजिट। 437, 815
यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ये 6n-1 की फॉर्म में टूट गया, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही है। इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको भी हम माइनस वाले में पहले देख लेते हैं, तो 7, 9, 8, -1 9, 7, 16, 16, 8, 24 यानी कि 24 है, ये 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर भी प्राइम हो जाएगा। 1, 0, 7, 8, -1 देखते हैं चेक कर कर, सॉरी 1, 0, 7, 4 तो 7, 1, 8, 4, 12 यानी कि ये नंबर भी हमारा जो है 6 से डिविजिबल है, तो इसको भी हम 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों नंबर जो हमारे हैं वो प्राइम हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज 12, हम डिजिट्स मान लेते हैं x+y = 12 है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द नंबर। जो हमारे पास नंबर होता है ना, उसको हम 10x+y की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, ये x+10y हो जाएगा, ठीक है, जो y होगा वो 10th डिजिट पे आ जाएगा और जो x होगा वो, अब इसमें अगर हम डिफरेंस निकालें, क्योंकि हमसे जो कहा गया है कि एक नंबर दूसरे से 18 बड़ा है, यानी डिफरेंस हमें निकालना होगा, तो ये 9x-9y = हमारे पास 18 हो जाएगा, और यहाँ से x-y हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका सम करने पर हमें 12 मिले और माइनस करने पर 2 मिले, तो ऐसा हमारे पास नंबर है 7-2 और 7+5 यानी 12। तो हमें बताना क्या था, डिफरेंस ही बताना था, इसकी हमें कोई आवश्यकता भी नहीं थी, केवल हमें डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस हमारे पास 2 हो जाएगा। व्हेन एवरी इवन पावर ऑफ ऑड नंबर, व्हेन एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय 8, व्हाट इज द रिमाइंडर। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक ऑड इंटीजर हमारे पास कोई भी हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसकी अगर हम इवन पावर्स लेते हैं तो उसे अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें 1 मिल रहा है, लेकिन 1 से तो हम पता नहीं कर सकते हैं, हम 2-4 और देखते हैं। तो यहाँ पे हम 5 की पावर 3 देखते हैं, तो ये 125 होता है, तो 8 8 1 8 4 और यहाँ पर हमने ऑड ले लिया है, हमें इवन लेना है, तो हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 × 25 यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 8 × 3 = 24 यानी कि 1 रिमाइंडर, और यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर, 1 × 1 यानी कि 1 रिमाइंडर यहाँ पे बचा। अब हम ले लेते हैं 7 की पावर 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 7 × 7 यानी 49 × 49 × 49 × 49 upon 8, क्योंकि 7 की पावर 8 मल्टीप्लाई करना कठिन पड़ेगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब 8 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर और यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर, तो 1 की 1 की 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 ही रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि जो रिमाइंडर है हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इफ़ एन इज ए नेचुरल नंबर देन द नंबर एन एन स्क्वायर प्लस 2/3 इज आल्सो अ नेचुरल नंबर।
अगर n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम मान लेते हैं n इक्वल्स 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 अपॉन 3, 4 2 6 यानी कि 3 से 2 टाइम चला जाएगा, ये 4 मिलेगा। 4 क्या हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। अब हम m को कोई एक ऑड इंटीजर लेना है तो m को हम ले लेते हैं 3, या हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चलिए 3 ले लेते हैं। इससे कंफर्म हो जाएगा कि कैसा आंसर आ रहा है। तो m इक्वल्स 3 ले लेते हैं, तो 3 की पावर 4 यानी 81 प्लस 3 3 जा 9, 4 जा 36 प्लस 11 अपॉन 16, तो ये 128 हो जाएगा, और ये 16 8 जा पूरा पूरा चला जाएगा। तो जो 8 है एक इंटीजर है, तो बिल्कुल ही जो 8 है वो इंटीजर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो दोनों ही सही हो जाएंगे। इट इज़ गिवन दैट 5 डज नॉट डिवाइड n माइनस 1 n एंड n प्लस 1 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमें ऐसा नंबर लेना है जो ये मतलब जो 5 है n माइनस 1 n और n प्लस 1 को डिवाइड नहीं कर पाता है, जहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक सही ऑप्शन होगा। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि n को हम 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, कॉमा 2 कॉमा 3। 1, 2 और 3 तीनों को ही 5 डिवाइड नहीं करता है। तो अगर अब यहाँ पे 2 रखें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल्स 2। यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनको तो 5 डिवाइड नहीं करेगा, केवल डिवाइड करेगा इसको। तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी इजीली कर सकते थे। इसको करने का जो तरीका होता है, दो तरीके होते हैं, एक तो मेन मेथड होता है, एक ट्रिकी मेथड होता है। ट्रिकी मेथड पहले हम बताएंगे, फिर मेन मेथड भी बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर है, नंबर में अगर हमें उसे 18 और 11 दोनों से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 7 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, सभी से 7 माइनस कर देते हैं, तो हम देखेंगे फिर 18 और 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो जाती है। तो सभी सबसे पहले हम सभी से जो 7 है उसको घटा देते हैं, सबसे पहले हम 11 से चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद 18 से चेक करेंगे। अगर हम 11 से चेक करें तो 9 9 10, आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए चेक करना, और डिविजिबिलिटी भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई है। 9 में से 9 जाएगा 0, और सॉरी 9 9 18 18 टू 20 20 माइनस 9 9 18 यानी 2 बचेगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। 9 9 18 18 प्लस 0 18 और 9 9 18 18 माइनस 18 यानी 0, तो ये 11 से डिवाइड हो गया। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, 9 9 18 18 1 19, और 19 से 17 जाएगा 2 बचेगा, तो ये भी नहीं। 9 9 18 18 4 22 18 4 22 22 माइनस 16, तो 6 बचेगा, तो ये भी नहीं। तो अगर हमने देखा कि 11 से ही हमें पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन जो
11 है उससे हमें दो या एक से अधिक ऑप्शन मिले होते, फिर हम 18 से चेक करते। अब जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि सबसे पहले 18 और 11 का एलसीएम लीजिए, तो 18 और 11 का एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 198 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 198 में हम कोई एक संख्या मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7 ऐड करेंगे तब हमें नंबर प्राप्त होगा। ये कैलकुलेटिव मेथड है और अगर इससे आप करेंगे ना कैलकुलेशन से तो ये आपका कम से कम 2 से 3 मिनट आसानी से खा जाएगा। और हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है। वहीं पर इस मेथड से ईजिली हो गया, बस आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए थी। नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 360 के, तो सबसे पहले 360 को डिवाइड कीजिए। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे अगर हम फैक्टर देखें तो 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 24। ठीक है, तो फैक्टर हमारे पास 24 हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही। अब हमें सम निकालना है, सम का हमने आपको एक फार्मूला बताया था, एक्स की पावर ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू बाई की पावर बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बाई माइनस 1 इंटू जेड की पावर सी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। यहाँ पर जो एक्स बाई और जेड हैं ये आपके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हो जाते हैं, ए बी सी जो आपकी हैं वो पावर्स हैं इन प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, ये ए बी सी हो जाएंगी। अगर आपके पास ज़्यादा फैक्टर्स होते तो ये जो हमने लिखा है वो मल्टीप्लाई और ज़्यादा हो जाता। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो दूसरा ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा, 1170 इन सभी फैक्टर्स का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोथ 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर अ 6-डिजिट नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए हमें सबसे पहले सभी जो डिजिट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो हमें पता चलेगा 3x प्लस 3y आएगा। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें यानी हमें पता चल जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 से है। तो 3 वाले हमारे पास जितने हैं उनको रोक लो, बाकी जो हमारे पास एलिमिनेट हो गया उसको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि 3 से हो रहा है तो 3 जिनमें होगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब 7 और 13 की हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करना आसान होता है। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई कुछ नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स को 2 ले लेते हैं और वाई को 3 ले लेते हैं। तो जो हमारे पास संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 2, 3, 2, 3, 2, 3। तो जो 7 और 13 की डिविजिबिलिटी होती है उसमें हम 3-3 पेयर बनाते हैं पीछे से, फिर जो इनका डिफरेंस होता है उसको निकालते हैं। तो हम इनका डिफरेंस निकालते हैं 2, 3, 2। 3 से 2 जाएगा 1, 12, 3, 9। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका डिफरेंस आया वो 91 आया। अब 91 हमें चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है क्योंकि जो 91 होता है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 13 और 7 होता है, यानी कि 91 13 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। अब 7 और 13 इसमें तो हमारे पास 7 और 13 है नहीं, इसमें 7 और 13 है नहीं, तो ये दो ऑप्शन भी हमारे पास एलिमिनेट हो गए। तो हमें 37 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
इस क्वेश्चन को हम नहीं लगा पाए हैं। अगर आप किसी को इसका जो फार्मूला है वो याद हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका हम फार्मूला याद करते रहे हैं, समझ में नहीं आया। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, वह होता है 3 की पावर, मतलब कि a की पावर x माइनस 1, और दूसरा है हमारे पास b की पावर y माइनस 1, सॉरी a की पावर y माइनस 1। अगर इस फॉर्म में जो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं तो इनका जो HCF होता है वह होता है a की पावर HCF ऑफ x कॉमा वाई माइनस 1। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पर 9 है इसलिए ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। या एक काम हम कर सकते हैं, इसमें से 9 अगर हम कॉमन ले लें तो काम बन सकता है। चलिए इसमें से हम 9 जरा कॉमन लेके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 27 बचेगा। तो जब हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारे पास 27 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास 9 कॉमन लिया तो अंदर बचा 36 माइनस 1। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 27 और 36 का जो एचसीएफ हो जाएगा 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यानी जो एचसीएफ हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें से ये 9 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 9 और यानी कि जो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा वह हो जाएगा 9 × 3 माइनस 1। अब इसको अगर हम 9 को 3 की स्क्वायर कर दें और इसे अंदर भेजें तो ये हो जाएगा 3 × 11 माइनस 9, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने कॉमन लेना चाहिए था, वो हमने कॉमन नहीं लिया था इसलिए हमें इसमें टाइम लग रहा था, लेकिन अब हो गया, इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इससे घटिया क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो नंबर लिखे होते हैं तो आंसर वही हो जाता है जो इसके अंदर होता है। लेट m एंड n बी नेचुरल नंबर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n सच दैट 33m प्लस 22n इज डिविजिबल बाय 121। तो इसमें से अगर हम 11 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3, और 3m प्लस 2n, अपॉन 121। तो इसे अगर हम डिवाइड कर दें तो 11 टाइम चला जाएगा, यानी कि ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर हम मिनिमम वैल्यू ले लें m की, ले सकते हैं 3 को, हम तोड़ सकते हैं 2 और 1 में, 3 × 2 = 6 और 2 तो ये नहीं होगा। 4 को तोड़ सकते हैं हम 2 1 में, टू में और 3 1 में। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम लेनी है तो मिनिमम से ही हम काम चलाएंगे। 2 2 यानी कि यहाँ पे अगर हम 2 रखें, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 10, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। अब 3 और 1 देखते हैं रख के, तो 3 × 3 = 9, 9 + 2 = 11, यानी कि 3 1 में अगर हमने तोड़ा तो हमारा
काम बन गया, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वह 4 हो जाएगी। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? भले ये ऑप्शन सही हो जाएं, भले ये डिवाइड कर दें, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? मिनिमम वैल्यू पूछी गई है ना। तो सबसे पहले हमने 3 लिया था, 3 से हमारा काम नहीं बना, हम 4 पे आए, 4 से हमारा काम बन गया, तो 4 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, एचसीएफ उसका इतना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 4896, लेट टू नंबर्स बी एच एक्स एंड एच वाई, यानी कि जो नंबर्स हो जाएंगे वह 12x और 12y हो जाएंगे। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब 2x, 12x इंटू 12y इक्वल्स 2160। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 15। फिर हमसे कह रहा है कि जो नंबर्स का स्क्वायर है वह 4896 है। तो इसमें से दोनों से कॉमन आ जाएगा 144, क्योंकि 12 स्क्वायर हमारे पास क्या है, 144। यहाँ पे भी 12 स्क्वायर 144 है, तो 144 हम कॉमन लेंगे। तो अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4896। इसे सबसे पहले हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 जा 12, 4 जा 0, और 12 8 जा, फिर से हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 जा। ठीक है, तो ये हमारे पास 34 आ गया। अगर हम यहाँ पर, अब सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, इसे सॉल्व करने के बजाय यहाँ पर हम पुटिंग करके देखेंगे, तो 35 हम ले सकते हैं, 55 जा 25 और 33 जा 9, तो 95 यानी कि 34। ठीक है, तो 3 और 5 हमारे पास करेक्ट आंसर हो गए, यानी x और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 और 5 हो जाएगी। लेकिन हमें वैल्यूज तो निकाले नहीं, हमें तो मीन निकालना है। मीन आपको पता है एवरेज होता है, तो एवरेज संख्याओं का हो जाएगा 12x प्लस 12y अपॉन 2, तो 12 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना है 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2, तो 2 4 जा, तो 12 4 जा 48, तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये घड़ी वाला होता है, ये बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इन जितने भी टाइम है ना, इनका एलसीएम लेना है। फाइव थ्री जा 15, फाइव फाइव जा 57 जा 59 जा 31 जा 57 33 जा 15, 15 225, 225 इंटू 7, 75 जा 35, 75 जा 35 कैरी 3, 72 जा 14, 14 3 17, 17,
7:14, 1:15 यानी कि 1:07:05 मिनट्स में वो दोबारा से मिलेंगी, ठीक है। यानी कि एक बार सभी घंटियाँ एक साथ मिलेंगी तब उन्हें एक चक्कर में 1575 जो मिनट्स हैं वो लगते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 72 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो 72 घंटे का मतलब है 72 × 60 मिनट, क्योंकि ये आवर्स है, इसे हम मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये मिनट में है, इसको आवर में चेंज करना मूर्खता होगी। 175 और इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। जब ये 2 पॉइंट कुछ आएगा तो हमसे तो मिलने के लिए कहा गया है, तो मिलेगी कब जाकर, जब ये पूरा होता। ये पूरा तो है नहीं, यानी कि वो मिली नहीं है, यानी कि वो केवल 2 बार ही मिलेगी। अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो ये 3 बार हो जाती। एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6, एन को हमें कोई वैल्यू ले लेनी है, हम 3 ले लेते हैं, 3 रहने दीजिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 से पता चल जाएगा कि 6 ही डिविजिबल है कि नहीं है। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 ये 120 हो जाएगा और ये 6 ही डिविजिबल है, तो पहला ऑप्शन सही। दूसरे में भी अगर हम 5 ले लें, छोड़िए 5 नहीं लेते हैं, हम 3 लेते हैं, 3 की पावर 481 into 3, 3 × 3 = 24, माइनस 3 करते हैं तो ये 240 आएगा। 240 क्या है, 3 से डिविजुअल है, और सॉरी 5 से डिविजुअल है, ये भी सही। इसमें हम अगर इसमें हम 1 वैल्यू रखें तो 1 माइनस 5 प्लस 4, तो 415 माइनस 5 0 और 0 120 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों के तीनों डिविजिबल हो रहे हैं आपस में। What is the last digit of the sum? S equals 9^27 + 27^9। तो इसको आपको क्या करना है, 3 की पावर में चेंज कर लेना है, तो ये 3 की पावर 2 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आपको अगर फैक्टर पता है कि जब ये ऑड होते हैं तब जो फैक्टर हमारे पास होता है वह ए प्लस बी होता है, ठीक है। जब ए माइनस माइनस होता है बीच में तब आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दो फैक्टर मिलते हैं हमें। यहाँ पर हमें एक फैक्टर मिलेगा, यानी कि 3 + 3 = 6 हो जाएगा। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि 6 अगर किसी नंबर के साथ साथ में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर 6 उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो संख्या इवन हो जाएगी। इवन होने का मतलब है उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो इवन होगी, और यहाँ पर यूनिट डिजिट में केवल हमारे पास इवन 6 ही है, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक्स इक्वल्स हमारे पास है 2 प्लस 4 के, ठीक है। तो एक्स सेट है हमारे पास और सेट बनेगा इस प्रकार से कि जो नंबर्स हैं वो 2 प्लस 4 के की फॉर्म में होंगे, यानी कि पहला नंबर हमारे पास हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास k की वैल्यू, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे तो 14, यानी कि जो गैप आ रहा है वो 4-4 का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 24 रखें तो 24 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 19, 96 प्लस 2 यानी 98। अब हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं, एस है क्या है, सबसेट है। अब इसमें से जो हमें एलिमेंट उठाने हैं, इस तरीके से एलिमेंट उठाने हैं कि एक्स के दो एलिमेंट्स का जो सम है एक्स से, हमें ऐसे दो नंबर्स उठाने हैं, नंबर्स को उठाना है कि जो सम है किसी एस के किसी भी दो नंबर्स का सम 100 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम 100 देखें तो 100 में हमारे पास वन टू थ्री फोर, 4 18 4 22, 26, 30 34, 4 what is the maximum possible values of elements in S। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स उठा के रखने हैं, लेकिन इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी एक सीरीज बनानी पड़ेगी, तब हम जाकर चेक कर पाएंगे कि किन्हीं दो नंबर्स का जो एडिशन है वो 100 नहीं होना चाहिए। तो अब हमने बता दिया करना क्या है आपको, इसे अपने आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इसमें हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे करने में। तो इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, इसमें से जो ऑप्शन आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका एनालिसिस पूरा, आपने देखा कि क्वेश्चंस इजीली हो रहे थे, नंबर सिस्टम के 22 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन में से आपने देखा कि 20 क्वेश्चन इजीली हो जा रहे थे, 2 क्वेश्चन में आपको फंसना पड़ा, एक तो लास्ट वाला क्वेश्चन और इससे पहले एक क्वेश्चन और था उसमें फंसना पड़ा था, और सभी के सभी जितने भी नंबर सिस्टम थे ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे या तो वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो रहे थे। तो अगर आपको एक तो फार्मूला पता होना चाहिए था या आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए थी, अगर ये दो चीज़ें आपको पता होती तो 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाते नंबर सिस्टम के। अब नंबर सिस्टम हो गया, इसी तरीके से अगले पार्ट्स में और भी पोर्शंस लेके आएंगे और धीमे धीमे पूरा पेपर हम लोग कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो फैमिली हमारी वो बढ़ जाए, ठीक है। 1000 का हम टारगेट रखते हैं, अभी 600 कुछ फॉलोअर्स हैं अपने चैनल पर और इनको 1000 करना है अगले 3 से 4 दिन में, तो कोशिश कीजिएगा इसको चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि 1000 जल्दी से जल्दी हो सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।